हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त के दिन कॉलेज की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो है तो अपने परफॉर्मेंस पेश करेंगे, जिसमें कौमी गीत, स्पीच और गाने शामिल हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। डायरेक्ट जो है तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए एमए सेकंड ईयर की रहे तालबा नमरा को आवाज़ देता हूँ कि वो प्रोग्राम जो है तो نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعين و ناظرين حضرات ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی سلام کہتے ہیں تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں قابل احترام اساتذہ اور محترم سرپرست حضرات اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم سب سے پہلے स्टेज पर बैठे जलवा अफरोज मोहतरम डॉक्टर प्रिंसिपल आरिफ अंजुम सर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक की मोहतरमा डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैडम और डॉक्टर रिजवान खान सर और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद सर और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के एचओडी डॉक्टर अंसारी साजिद अहमद सर और तमाम असातिज़ाए किराम मेरे साथियों को मैं दिल की पुरअमीक गहराइयों से आज की यौम आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। हजरात, आज 15 अगस्त है, हमारी तारीख का एक सुनहरा दिन है। यह दिन हर साल हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आज ही के दिन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ी हुकूमत ने हम पर 200 साल हुकूमत की थी और आज से 78 साल पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी हुकूमत का ग़ुलाम था। हमारे बड़े बुजुर्ग सब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत इनकी थी। ज़मीन हमारी थी लेकिन ज़मींदार अंग्रेज़ थे। हम अपने ही मुल्क में अपने ही ज़मीन पे इनके मजदूर थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान के बाशिंदों पर खूब जुल्म किया करते थे और तरह तरह की सजाएं दिया करते थे। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको महात्मा गांधी ने आज़ाद करने के लिए खुद को भूख से दोचार किया। बिल आखिर यहाँ के बाशिंदों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गर्ल्स के सारे ही मजहब और धर्म के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से भागने पर मजबूर किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस सुनहरे मुल्क को इनकी गुलामी से आज़ाद कराया। मिट गए न मिटने दी वतन की आग रू, मिट गए न मिटने दी वतन की आग रू, उन शहीदान ने वतन को बारहा सलाम। न पूछ जमाने को कि क्या है हमारी कहानी, न पूछ जमाने को कि क्या है हमारी कहानी, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हैं हिंदुस्तानी। तो मौजूद सामईन, आज़ादी क्या है? आज़ादी ये कि खुली फिजा में सांस लेना है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, हक और सच की बात को खुलकर बयान करना है। आज़ादी वो है जिसके लिए हजारों माओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया और लाखों बहन बेटियों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को मुजालिम का शिकार बनते देखते हैं तो हमें कायदे आज़म का एहसान और इनके दो कौमी नज़रिए की दौर अंदेशी का अंदाज़ा होता है कि आज हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में पुरसकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की रौनक को बरकरार रखते हुए हम जानिब मंजिल कदम रखते हैं। जिस तरह किसी मंजिल को पाने के लिए किसी मकसद के हुसूल एक रहबर की ज़रूरत होती है,
बिल्कुल इसी तरह किसी भी बस्म की बागडोर सदर के हाथों में होती है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम की सदारत को डॉक्टर प्रिंसिपल आरिफ अंजुम सर को सौंपती हूं और आज इस प्रोग्राम का सदर मुंतखब करती हूं। सदर मौसूफ से इजाज़त चाहती हूं कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे। जैसा कि हमें इजाज़त मिल चुकी है तो आइए मैं अगराज मकासिद के लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे HOD साजिद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम के अगराज मकासिद को पेश करें। मैं उर्दू तकरीर के लिए इफ्तिताही सफूरा फिरदौस आसिफ जमाल SYBA। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस 15 अगस्त के मौके पर मैं अपने तासुरात का इजहार करना चाहती हूँ समाज पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए फातिल में। अहम दिन है ये दिन, जब्र पर आज़ादी, खौफ पर हिम्मत और तकसीम पर इत्तेहाद की फतह का दिन है। हम अपने बहादुर आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे हुकूक और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद की, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। इनकी बेलौस खिदमात को हम सलाम करते हैं जिन्होंने एक आज़ाद फिजा में रहने की राह हमवार की और आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने की राह हमवार की। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो आइए इस पेशरफ्त को भी तस्लीम करें जो हमने की है और जिन चैलेंजों का हमें अब भी सामना करना है। हमने मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है लेकिन हमें अब भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करना है कि हर शहरी को बराबरी का मौका मिले, मसलन समाजी, मजहबी, तालीमी व माशी। आइए अपने और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल बनाकर अपने माजी का एहतराम करें, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हर फर्द को तरक्की की मनाजिल तय करने और अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिले। आइए मुत्तहिद रहें और अपने वर्षे पर फख्र करें। आइए हम रुकावटों को दूर करने और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मिलकर काम करें। हम अपनी कौम के मुस्तकबिल के महाफिज हैं। आइए मिलकर एक ऐसी कौम की तामीर के लिए काम करें जहां आज़ादी, इंसाफ और मसावात का राज हो। आइए अपने कौमी रहनुमाओं से तहरीक लें और इनकी मीरास को जारी रखें। आइए हम अपनी कौम को सबके लिए उम्मीद और आज़ादी की किरण बनाने की कोशिश करें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान है। यौम आज़ादी मुबारक हो, हमारी कौम हमेशा के लिए गैर मुतज़लज़ल इंसानी जज्बे की रोशन मिसाल है। शुक्रिया। इरम एंड ग्रुप पैट्रियोटिक सॉन्ग। इश्क जैसा मुश्क जैसा तुमने देखा है कहीं, शान वाला वो हिमाला है मुहाफिज़ इक तरफ, साहिलों पर
गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मंतशा फ्रॉम SYBSC. फर्स्ट विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. टुडे इज 15th ऑफ अगस्त एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 78th ऑफ इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री. We should understood the great day. On this day we remember brave soul who sacrificed for us. This is a reminder for the value of freedom, and our flag is represented our pride and identity. We should proud to feel an Indian. On this occasion, let us pledge all to do our best and make our country best. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसमें आजादी का सेहरा उलमाए इकराम के सर आता है. तहरीक आजादी में उलमाए इकराम की जद्दोजहद कुर्बानी को खास अहमियत हासिल है. उनकी तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोई दूसरी तहरीक शुरू नहीं हुई थी. मुल्क की आजादी के लिए इन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी. कैद बंद की तकलीफें बर्दाश्त की, फांसी दी गई, काला पानी भेजे गए और सब मिलकर मुल्क को आजाद करने में पेश पेश रहे. उलमाए इकराम ने अपनी जानों की बाजी लगाते हुए इस सरसब्ज शादाब हिंदुस्तान को दोबारा निखारने के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दी. आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, इन्हीं उलमाए इकराम में एक बड़ा नाम मौलाना फजल हक खैराबादी का भी आता है, जिन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद का ऐलान किया और उनके साथ कमोबेश 90,000 लोग शामिल थे और सब अपने जुरात और बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहे. गोया के यूं कह रहे हो, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए. फिर अंग्रेज ने मौलाना फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी खामोश तो ना बैठे थे. मौलाना ने भी काफी जद्दोजहद किया और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ मिलकर अंग्रेजों के प्रोडक्ट का बायकॉट किया. इधर इंकलाब का नारा देने वाला कोई और नहीं, मौलाना हसरत मोहानी ही थे. हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे थे और हजरत टीपू सुल्तान तो अंग्रेजों को दिन में ही तारे दिखा दिए और अपनों के लिए एक मकौला दे गए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है. और उन तन के गोरो मन के कालों ने जो जुल्म और सितम ढाया उलमा इकराम के ऊपर वो नाकाबिले बयान है. सैयद किफायत अली काफी को जेल से निकाल कर उनके जिस्म पर कोयले की गर्म इस्त्री को चलाया गया. इसीलिए तो कहा गया है, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी ही थी, फिर भी अहले चमन ने यही कह दिया, वे वतन है हमारा तुम्हारा नहीं. शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्राचार्य, शिक्षक आणि शिक्षेतर कर्मचारी व सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण आपल्या 78वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या भारताला ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्ती मिळाली. हा दिवस आपल्या देशासाठी अभिमानाचा आणि गर्वाचा दिवस आहे. स्वातंत्र्य दिन हा फक्त उत्सव नाही तर आपल्या स्वतंत्र सैनिकांच्या बलिदानाची आठवण देणारी दिवस आहे. त्यासाठी भारत देशातील महापुरुषांनी आणि क्रांतिकारांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, त्यांना स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे.
भारत देश हा अंग्रेजांचा गुलाम गिरीत होता। अनेक वर्ष गुलामी सहन केल्यानंतर अंग्रेजांचा अत्याचार सहन केल्यानंतर भारताला मुक्ती मिळाली। आज आपण आपल्या स्वतंत्र सैनिकांना आज आपण आपल्या स्वतंत्र सैनिक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, खान अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतर सर्व नायकांना वंदन करतो। त्यांच्यामुळे आपण आज स्वातंत्र्याने श्वास घेत आहोत। आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी आपण सर्वांना एकत्र येणे आवश्यक आहे। आपल्या शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये अधिक प्रगती करणे गरजेचे आहे। आपल्या युवांनी नवीन संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांना सशक्त बनवणे आणि पर्यावरणाची ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे। चला आजच्या दिवशी आपण सर्वांनी आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी एक नवीन संकल्प करूया, एकत्र येऊ आणि आपल्या देशा आणि आपल्या एकत्र येऊ आणि भारताला एक महान देश बनवूया। जय हिंद। आणि मी अन्ना परवीन जाईद अख्तर, इंग्लिश स्पीच FYBSC। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर ऑडियंस एंड मॉडरेटर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। In the name of Allah, who is the most gracious, beneficent and merciful, first of all, I wish you very happy Independence Day. Today is 15 August and we gather here to celebrate 78th Independence Day. As we know, Independence Day is a national festival of India. On this day in 1947, India became independent and free from the British government rule due to division of our great freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and so many others. But nowadays some people's mission is what? To erase all the name of Muslim fighters from the history. But they don't know the seven wonder of world, that is the Taj Mahal given by us and so many famous places made by us. How will you erase our names from the history? We are the part of Indian history. Milon ki manzil hai maqsood yahi armaan rakhte hai hum apni rehnumai ke liye Quran rakhte hai wafadari watan se ho yahi Islam kehta hai hum apne dil ke har goshe mein Hindustan rakhte hai. Independence Day is not about holiday for us. This day reminds us the fundamental right. On Indian, we should take the promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone, and education is the great weapon to fight in every situation. Thank you, JazakAllah, for listening. Sidratul Muntaha, Shabbir Ahmad, MSc First Department of Zoology. Respected principal, respected staff members and dear friends, assalamu alaikum. Ma pa dha pa ga ma re sa ni sa re dha मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं हंगामा है क्यों बरपा हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है
हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, पनी सरे गा गा मा पा गा मा रे सरे नी सरे धड़ी मा पा धड़ी सा मा पा धड़ी सा मा पा धड़ी सा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, पम पधानी पम पसानी पम पनी गामरे सनी सरे धानी रे सा, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, उस रंग को क्या जाने, उस रंग को रंग को, उस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। थैंक यू। राजा रफिया अबुजन, इंग्लिश स्पीच। Honorable Chief Guest, respected Principal, versatile teachers, and all the wonderful people present here, Assalamu Alaikum, a very cheerful morning to all of you. I would like to begin my speech with the couplet, Baagban azad hai, sehn-e-chaman azad hai, Baagban azad hai, sehn-e-chaman azad hai, Ho Mubarak dosto, apna watan azad hai. Myself Raja Rafia Bhuzar, student from second year of BCom, also pursuing CS. I am here to deliver a speech on Independence Day. It is an honor to stand before you
Today on this significant day, a day that not just marks anniversary of our nation's independence, but also a day that celebrates our journey, achievements and our aspirations. 78 years ago, our India came as an emerged independent nation after years of struggle, sacrifices and relentless perseverance. The vision of our founding figures like Mahatma Gandhi, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Sir Syed Khan and many more, not just to liberate a land but to cultivate a nation rooted in the values of justice, fraternity, equality, democracy, sociality and sovereignty. Their dream was for an India that would stand tall on the globe, a beacon of hope and progress. As we reflect on our journey, it is evident that we have marked remarkable strides. We have achieved goals in the field of science and technology, business and commerce, in making entrepreneurs, for making India economically as well as globally strong. We have achieved goals in education field as well. Education plays an important role in making transformative progress. Our universities also play a crucial role in this narrative. We must harness our education not just in understanding We must harness the power of education, not just in understanding. We must harness the power of education, not just in understanding the issues and problems we face today, but also actively participating in resolving them. As we honor the sacrifices of those who came before us, let us also embrace our roles in making efforts and continuing their legacy. As the youth of the country, we must contribute our knowledge, our thoughts, skills, and many more creativity, artistic endeavors, and make significant change in the country. At last, I would like to thank Sir for giving me this valuable opportunity. Thank you and a very happy Independence Day to all of you. Jai Hind. Sheikh Rayyan, Sheikh Ramzan, SYBSC Urdu Speech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohatram Principal Dr. Arif Anjum Sir, Bawakar Atsazai Kiram aur Mohazid Samain. Aaj ke subah mein ek kuch खास बात है क्योंकि आज हम यहाँ पर आज़ादी का 78वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार इस उन्वान से कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पर आज़ादी का 78वां जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस दिन को पाने के लिए हमारे कितने ही मुजाहिदीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। यूं ही हमें ये आज़ादी नहीं मिल गई, अंग्रेजों की कई सालों की हुकूमत के बाद हमारे मुसलमान मुजाहिदीन का इसमें अहम किरदार रहा कि उन्होंने अपनी काविशों के जरिए हमें आज आज़ादी का दिन नसीब फरमाए। अगर मैं यूं कहूं कि मुसलमान ही वो पहला शख्स था जिसने आज़ादी की चिंगारी भड़काई। जी हाँ, मैसूर के शेर जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं, वही पहला शख्स था कि जब अंग्रेज अपनी हुकूमत कायम कर रहे थे और हम हिंदुस्तानी गुलामी कबूल कर रहे थे, तो उसी वक्त मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने
अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और उनके दिलों में इतना खौफ पैदा किया कि जब उनकी वफात का वक्त आया तो वो जब भी उनके दिलों में अंग्रेजों के दिलों में उनका इतना खौफ था कि वो उनके लाश के करीब जाने से घबराते रहे। ये शान है हमारे मुसलमानों की कि जिंदा थे तो भी लोग कांपते थे और मर गए वफात पा गए तो भी उनकी शान अलग है। ये हम मुसलमानों की शान है। यहाँ से चिंगारी भड़की आजादी की। टीपू सुल्तान बानी थे चिंगारी भड़काने वाले। जब 1857 की पहली गदर हुई उस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली से कश्मीर तक 30,000 उलमाए किराम को हर दरख्त पर लटका दिया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हमें आज ये आजादी के दिन नसीब हुए हैं। जी हाँ, 30,000 कोई छोटी तादाद नहीं है, वो भी उलमाए किराम की। मैं आपको बताता हूँ चलू कि एक उलमाए किराम, एक उलमा की क्या अहमियत होती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है हजरत किफायत अली काफी का। जी हाँ, हजरत किफायत अली काफी एक सच्चे आशिक रसूल थे। उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको कैद करने के लिए 3,000 अंग्रेज फौजी पर मबनी दस्ता उनके घर पहुंचा, उनको गिरफ्तार किया और उन्हें कैद बंद की सोहबतें नसीब की और उन्हें तकालीफ से दो चार किया। उनके जिस्म पर गर्म लोहे की सलाखों से दागा गया, उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया। इतनी तकालीफ के बाद 7 दिन तक उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की और उसके बाद उन्हें चौराहे में ला करके फांसी दे दी गई। हजरत किफायत अली काफी बहुत बड़ी हस्ती थे। वो उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरा हिंदुस्तान आजाद होगा और मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बाद भी मुसलमान आएंगे और हिंद को आजाद करेंगे, लेकिन हम ज्यादा देर तक आपकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इनके अलावा भी बहुत से मुसलमानों का नाम आता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये अब सिर्फ तारीखी किताबों में ही रह गए हैं। जी हाँ, इनके शहादत के जज्बे को, इनकी कुर्बानी के जज्बे को हम भूल चुके हैं। हम नहीं याद करते इनकी काविशों को, कोशिशों को। बस इन 2-4 दिनों में ही इनको याद किया जाता है, लेकिन हमें इनका एहसास होना चाहिए कि कितने तकालीफ के बाद आज हमें ये दिन नसीब हुआ है। और भी कई मुसलमानों का नाम आता है, मुजाहिदीन का नाम आता है, लेकिन अगर हम उनके भी हर किसी का बयान करने चाहे तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके काविशें कोशिशें खत्म नहीं होगी। मैं उनमें से कुछ मुजाहिदीन का नाम आप लोगों के सामने अर्ज करता हूँ। सबसे पहला इनमें नाम आता है अली ब्रदर्स का, शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली का। फिर इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान और न जाने कितने मुसलमान। ये तो वो नाम है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जो हम भूल चुके हैं, जो गुमनाम हो चुके हैं तारीखी किताबों में। मैं अपनी बात बस इस शेर से खत्म करना चाहता हूँ कि मजहब के नाम पे जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन में जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, अपनी वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू। सॉन्ग के लिए आ रही हैं मोमिन हसीबा मोहम्मद आरिफ, इसके बाद तैयार रहें अमन सबा मोहम्मद। हाँ,
हिंदुस्तान 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 मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका हिंदुस्तान। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था, आजादी हासिल करने मंदिर में बहना बहना था, जान का नजराना देकर निश्चली में रहना था। मंत्र ऐसा कोई हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाल यहाँ, हिम्मत अज़्म से कायम रहता है अपना इकबाल यहाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरताल यहाँ, जो एक बार यहाँ आया यहाँ का होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। हर एक जलवान शाह नगमा ये मस्ताना है, नूरो नुसरत की तारीफों से पूरी अफसाना है। इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरजाना है, महरो माहक हुसन से अपने सदियों ये बरमाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। हुस्ने अजंता और एलोर ताजमहल की अपनी शान, टीपू गांधी नेहरू जौहर लक्ष्मीबाई की है जान। दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। आजादी जमहूर अखुवत का ऐसा निजाम रहे, अदलो आईन में छलके दस्तूरी वो जाम रहे। कर्ज हुकूमत हो वो मिसाली हिंद का ऊंचा नाम रहे, शाही ऐवानों को जश्न जमहूरी ललकारेगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। पास नबी हमको हो हक्का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान है और हम बने देश की शान बने, देख के बातिल अपने अजायम झिझकेगा शर्माएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। शब की तहरीरों पे काबिज नूरानी सी तहरीरें, नस्लेनों के हाथ तरफनी की है ऐसी तस्वीरें। कल तक ख्वाब देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें, खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हर सूखी लहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। तेरी अजमत बाबत हो नाम तेरा रक्षंदा, दहर में तेरा ओज सलामत बिंदा और पाइंदा। तेरी अजमत बाबत हो नाम तेरा रक्षंदा, देहर में तेरा ओज सलामत बिंदा और पाइंदा। कैफे माजी तू है और तू ही नूरे आइंदा,
मिट्टी सोना उगलेगी और बादल धन बरसाएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर टहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर टहलाएगा, हिंदुस्तान 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 मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका है हिंदुस्तान। थैंक यू। लास्ट कैंडिडेट है ये मोमिन हुमैरा मोहम्मद इरफान SY BSc इंग्लिश स्पीच। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, अ सुपर स्पेशल डे फॉर आवर कंट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय थॉट्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। Many years ago, brave people fought hard so we can be free today. Because of them, we can live happily, dream big, and do what we love. It's important to remember and thank them. They showed us what real bravery looks like. We might not know all their names, but their action touched our hearts. This is our 78th Independence Day celebration. Just 78 years ago, we got independence from the British. The story of freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. 78 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then on 15 August 1947, India became independent after many agitations and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Due to the bravery of our country, we have become independent today, and today we celebrate this day to pay tribute of those brave warriors. Independence Day is one of the national festival of India. Let's make a promise today to always be kind, be help others and love our country just like heroes wanted. Independence Day motivates us to love our country. Today is a day of happiness, pride, and thank yous. Let's keep the spirit of this day alive every day. Now I'm going to end my speech with these words. Thank you so much. Happy Independence Day, everyone. Thank you. Muhammad Asrar Akil Ahmed, SYBSC, English plus song, English and Hindi. Honorable Principal, respected teachers, hello. Honorable Principal, respected teachers, and dear all, Assalamu Alaikum and very good morning to all of you. I'm Muhammad Asrar Akil Ahmed. I'm here to express my thoughts about 78th celebration of Independence Day. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त बचपन से ही ये वर्ड सुनते ही हमारे दिल में एक हलचल सी मच जाती है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। 15 अगस्त की सुबह तिरंगे को लहराने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के चलते हमारे दिल में एक गर्म जोश सा पैदा होता है, कुछ करने का जज्बा, वतन के लिए कुछ कुर्बान कर देने का जोश पैदा होता है। लेकिन अफसोस कि 15 अगस्त के सूरज की तपिश कम होते होते हमारे दिल का ये जोश भी ठंडा होने लगता है। आइए क्या आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हम सब से कि क्या हमारे एक्शंस हम कंट्री के लिए, हमारी नेशन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी अपनी फैमिली के लिए और सबसे बढ़कर अपने आप के लिए क्या हम मददगार साबित हैं? हमारे एक्शंस हमारे काम को लेकर हम अपने आप से वफादार हैं? अगर इसका जवाब यस है तो मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहूँगा, दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा
लेकिन अगर इसके जवाब में आपको जरा भी डाउट है तो आइए हम और आप मिलकर आज इस 78th सेलिब्रेशन को, इस 78th सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे को ये प्रॉमिस करते हैं, सेल्फ प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद से हम अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी, नेशन और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने काम से वफादार रहेंगे, पूरी ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। आइए मैं आप लोगों को एक पेट्रियोटिक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, तो नजर है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो हम सब की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्ला हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्ला हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पांव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिकॉज मेरे कॉलेज मेट्स भी यहाँ पर हैं, तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट गोइंग विद फ्लो, इट्स अबाउट ग्रोइंग आवर माइंड, इट्स डेवलपिंग आवर पर्सनालिटी। एजुकेशन का मतलब हम अपने आप कैसे इंसान बना लें, इस काबिल बन जाएं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू ऑल, जज़ाकुल्लाह खैरा। Our
the corporate of this world. Name Dilawar, principal Arif Anjum sir, to present a flower to name Dilawar, occasion of Independence Day. Name Dilawar always cooperate our college. Okay, thank you. Respected principal, दीगर असाज़े ग्राम अर्जिस तलबा, सुबह से बहुत सारे तलबा और असाज़ा ने अपने कीमती वक्त दिया। इस 78वें आज़ादी के मौके पर हम सिटी कॉलेज के जाने से तमाम हाजिरों का शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं और प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करते हैं।